नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव चीज देख रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी की शानदार जीत हुई है। एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस ने जीत हासिल की है। सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी मिली है ममता बनर्जी की पार्टी को और बीजेपी के सपनों पर कहीं ना कहीं पानी फिर गया है। प्लेट्स हम आपको दिखा रहे होंगे कैसे। फिलहाल के जो आंकड़े हैं, शाम के 4 बज चुके हैं, 4 से अधिक का समय बीत चुका है और अब तक जो रुझान दिख रहे हैं लगभग इन्हें ही अब आप रिजल्ट्स मानिए, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतेगा ये नतीजों में बदलने शुरू हो जाएंगे। नतीजों में बदल रहे भी हैं, कई जगहों से जीत होनी शुरू भी हो चुकी है। ऐसे में अब जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ही अब देश की राजनीति को संभाल सकती हैं। यानी कि क्या उन्हें पीएम बनाना चाहते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। ममता दीदी इस देश की भविष्य पे बोलते थे कि मोदी नहीं तो कौन, नहीं तो कौन। ममता दीदी इंडिया की फ्यूचर, ममता देश की नेता, इसीलिए इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एंड टीम, जिसमें भाजपा केंद्र सरकार के अलावे सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, इनको गोवा का कहीं का राज्यपाल बनाए और उसके बाद उनके इंटायर मंत्रिमंडल को पैसे दे दे करके इंटायर, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी सूझबूझ के साथ काम किया, इस देश को बर्बाद होने से रोक। फिर मैं कह रहा हूं, चुनाव आयोग जो पूर्व के थे उस पर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। 50 लाख लाश, भारत के 50 लाख लोगों को प्रभावित करने वाले लाशों पर हम मोदी जी से आग्रह करेंगे कि अब शमशान में भी बीजेपी का झंडा फहराए। बड़ी मेहरबानी। और आज उनको खुशी मनाना चाहिए 50 लाख लाशों के मातम का, कि मैं ऐसा मानता हूं बहुत महत्वपूर्ण। दूसरी चीज, मोदी जी बिहार क्या बिगाड़ा आपको, वैसे तो बिहार कभी सीखती है नहीं, बिहार की जनता, बंगाल की जनता को बधाई देश बचाने की। हिंदू मुसलमान बैकवर्ड फॉरवर्ड सब कुछ फिनिश किया। मैं प्रशांत जी को भी बधाई दूं और ममता दीदी के साहस को, अकेला निर्णय लेने वाली ताकत, जो ले लिया सो ले लिया, रविन्द्रनाथ टैगोर की तरह अकेला चलो रे बंधु। सही माने में रविन्द्रनाथ टैगोर की अदम्य साहस की एक उपलब्धि है ममता बनर्जी का बंगाल, जिन्होंने बंगाल को तो बचाया ही, भारत को भी बचाया। इसके लिए ममता दीदी और बंगाल की जनता को सैल्यूट करते हैं और बिहार को और बिहार की जनता को बंगाल से सीखे इसकी अपेक्षा करते हैं। तो आपने सुना, उन्होंने कांग्रेस का भी शुक्रिया अदा किया है इशारों में और कहा है कि कांग्रेस ने भी सूझबूझ करके देश को बर्बाद होने से रोक लिया। कहीं ना कहीं जिस तरीके से बीजेपी की आजहार हुई है पश्चिम बंगाल में, काफ़ी कांटे की लड़ाई कही जा रही थी, लेकिन नहीं, लड़ाई जो है वो एक तरफा दिखी। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से 200 से अधिक सीट जीतने में टीएमसी कामयाब हुई और बीजेपी को भी
हालांकि बढ़त हासिल हुई है। जितना पहले उनका अंक था सिर्फ 3 विधायक ही थे, अब बीजेपी के पास 80 से अधिक विधायक होंगे या 80 के आसपास विधायक होंगे, जो फाइनल नतीजा आएगा उस वक्त हम देखेंगे। लेकिन बीजेपी को भी बढ़त मिली है, लेकिन बीजेपी के सपनों पर पानी तो फिर गया। महीनों तक रैलियां की गई, रोड शो किए गए, इतने हेलीकॉप्टर उतारे गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद वहां पहुंचे, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे, प्रधानमंत्री ने कितनी रैलियां की, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसे में अब कहीं ना कहीं जो विपक्षी खेमा है काफ़ी खुश है। लालू प्रसाद ने भी ट्वीट करके बधाई दी है, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करके बधाई दी है, पप्पू यादव ने क्या कुछ कहा आपने सुना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।